ओ मेरी सीडी कहाँ गई? वो चलो अगर वो वाली सीडी नहीं मिल रही तो कोई और लगा लो। तो फिर पसंद भी कुछ चीज होती है। हाँ सही कहा, पसंद भी तो कोई चीज होती है। गाड़ी मेरी है ना? हाँ नहीं मेरा मतलब है कि हाँ, हम सबकी गाड़ी है। जी नहीं सिर्फ मेरी है, इसलिए इस गाड़ी में म्यूजिक भी मेरी पसंद का लगेगा। लगी ना कोई दोस्त ले गया होगा। चलो एक काम करते हैं, आज मैं गुनगुनाता हूँ, मैं गाना सुनाता हूँ। सबके जाऊँ, पहले तो कभी नहीं गुनगुनाया मेरे लिए। मूड की बात होती है ना। इतनी आशिकी किसके लिए तपस रही है? कैसी बातें कर रही हो भाई, मेरी आशिकी किसके लिए होनी है? सिर्फ अपनी नगीना के लिए। चलो भाई मेरी आवाज नहीं सुननी तो रेडियो लगा लो। मैंने नहीं सुनना रेडियो, उस पर अच्छे गाने नहीं लगे होते। और तुम एक यूनिक लड़की से शादी करने जा रहे हो जिसकी पसंद बहुत यूनिक है, पता होना चाहिए तुम्हें। क्यों फिरोजा? मुझसे कुछ कहा? नहीं। दादा का है? हाँ वो जो जोहर टाउन में नया मॉल खोला ना बड़ा वाला, वहां चलते हैं, सारे ब्रांड्स होंगे वहां पे। ये पेयर कितने का है तकियों का? ये 1500 का है भाई। 1500? लेकिन इसमें तो 1200 लिखा है। ये सेल लगी हुई इसलिए 1200 का। ओ अच्छा। और ये वाली बेडशीट ये कितने की? ये 5000 की थी। 5000? लेकिन ये तो 7000 की थी। बेडशीट पे भी सेल लगी हुई है? फिरोजा बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं, हम लोग सब कुछ सस्ता हुआ है। मैं तो कह रही हूँ 2-4 तकिए ले लो और 5-6 बेडशीट उठा लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो बहुत महंगा है। महंगा है लेकिन काफी सस्ती दुकान है। क्यों तो फिर? मैंने भी अपनी चीजें यहीं से ली थी, तब तो सेल भी नहीं लगी थी। तो खैर तुम्हारी मर्जी, अब तुमने नहीं लेना तो क्या कह सकते हैं। ये ले भाई। अरे आराम से, ऐसे कुछ टूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। है वालेकुम अस्सलाम। ये टी शर्ट कितने का है? मैम ये 8000 रुपए का। 8000? बस? नहीं नहीं 8000 नहीं, हमें कुछ अच्छा, कुछ महंगा सा डिनर सेट दिखाए ना। जहेज में रखना है, अब ऐसी सस्ती चीजें तो नहीं रखेंगे ना, बचत तो नहीं करेंगे हम। क्यों? अच्छा वो वाला दे। ये कितने का? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख? हाँ भाई कुछ पसंद आया? पसंद तो बहुत कुछ आ रहा है तो फिर, लेकिन क्या करूं, दिल कर रहा है कि फिर से शॉपिंग कर लूं। अभी कुछ दिन पहले की थी लेकिन फिर से दिल कर रहा है, क्या करूं। कोई बात नहीं और कर लो। नहीं नहीं खरीदने आना तो फिर तो रखूंगी कहाँ, घर में पहले इतना कुछ जमा जाए इसका जगह ही नहीं है। लेकिन पता है मैंने ना बिल्कुल ऐसे ही सेट लिया अपने जहेज के लिए, पूरे 1.5 लाख का। वो देखो वो भी अच्छा है। आजो लगता है तुम्हें मॉल पसंद नहीं आया। मैं तो अपनी सारी शॉपिंग यहीं से करती हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं, आओ तुम्हें मैं कपड़े दिखाऊंगा। ये देखो अच्छा लग रहा है तुम पे, देखा 6000 के आसपास। हाँ तो क्या हुआ, अच्छा लग रहा है, प्राइस भी फिक्स है, वैसे अच्छा लग रहा है, ले लो। लगी ना? नहीं नहीं मेरे ख्याल है ये ले लो तुम। अच्छा ऐसे पसंद तो तुम्हें आया तो तुम ही लेके दो। अरे
तुम अपनी पसंद का भी ले लो, मैं वो भी ले दूँ। सच्ची? हाँ। अच्छा फिर इसके साथ साइड पे हो जरा, ये देखो ये मैच कर रहा है। ठीक है ठीक है भाई, ये दो दे दे। आप भी पसंद कर लीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, फिक्र ना करना। यहाँ पे कोई सस्ता बाजार नहीं है क्या? सस्ता बाजार क्यों? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। देखो रोजा, तुम यहीं से कर लो शॉपिंग। तुमने अपनी जहेज की चीजें लेनी है, किसी सस्ती जगह से लोगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा। अरे चलो, नहीं है पैसे तो क्या हो सकता है, तो सस्ता बाजार है जानते हो। हाँ हम आ सकते हैं, कोई बात। आप लोग चलो, मैं पेमेंट लेके आता हूँ, गाड़ी पे चलो। मीडियम साइज। अच्छा ये बता, आइसक्रीम कहाँ से खिलाओगे? ओहो भाई, आइसक्रीम की क्या जरूरत है, खाने का वक्त है, खाना खाते। नहीं, दोपहर का खाना मैंने आजकल छोड़ दिया। आई सी, गुड है। तो 1000 ते हो गया 20,000। हाँ, ते 5,000, 5,000। फिरोजा, अड़ी फिरोजा। जी अम्मी जान। अड़ी इंतिया। आई। जी अम्मी जान। हाँ, संभाल के रखें, पूरे 5,000 हैं। 5,000? कहाँ से आए इतने पैसे? बड़ी कमेटी निकली आई ना मेरी, भरजाई ने तो कहा था ना कि फर्नीचर नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा कि तू लाहौर जा रही है ना, तो वहाँ जाकर अपने लिए जूते और कपड़े ले लेना। हाँ, मेरी मेहनती कमाई है, खूब चीजें खरीदूंगी। मेरे लिए भी एक जोड़ और जूता लेकर आना। हाँ हाँ, ले आऊंगी तेरे लिए भी, बल्कि तू ऐसा कर मेरे नाल ही चली जा। चला, अम्मा को बोल ना। अम्मी जान, है पहले अपनी सास को तो पूछ। फातिमा। हाँ जी हाँ जी, आ गई आ गई। हट जाओ, नाश्ता नाश्ता नाश्ता। ये ले भाई, लस्सी राजदा और गुलाम हुसैन को डाल के दे, स्पेशल पेड़े डलवा के लेके आया हूँ। बैठ जा आराम से। गुलाम हुसैन लेके गए राजदा को जरा के पास। आए क्यों, उसके पैर की मोच भी ठीक नहीं हुई? हाय नहीं, लगता कोई काम बड़ा ही पै गया, ठीक नहीं हुई। तो मुझे बताना था, तुझे अच्छा भला पता है, मोच निकालना तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं है। हाँ जी, बड़ा पता है, तेरे लिए तो मुश्किल कोई नहीं है, पर जिसकी निकालता है ना उसके लिए आसानी नहीं रहती फिर। क्या मतलब? याद नहीं है तुझे, जब बांस होने वाला था तो मेरे पैर में मोच पड़ गई थी, तो तूने निकाली थी। हाँ याद है, याद क्यों नहीं है? तो ये भी याद होगा कि 3 महीने मर्जी से पैर नहीं उठा सकती थी। वो तो ज़ाहिरा मेरा पहला तजुर्बा था, अब तो उम्र बीत गई है, अब तो मैं यूं करके निकाल लेता हूँ। ताई दूजा केस भी नहीं आया। अच्छा मैं दूध दही वाला हूँ, कोई जरा नहीं हूँ। ये थोड़ी सी लस्सी फिरोजा को पिला दे। फिरोजा नहीं है, वो गई है। वो कहाँ गई है? है शॉपिंग पे गई है तुफैल के साथ। तो तूने भी साथ चली जाना था। है मैंने क्या करने जाना था, नगीना गई है ना साथ। और नगीना को साथ भेजने की क्या जरूरत थी? और किन्नु भेज दी? साथ उसकी माँ को भी भेजना था, ताकि दोनों मिलके उसका फिरोजा का दिमाग खराब कर देते। देख मेरी बात सुन, मैंने कहा रोटी खाते वक्त चुगलियां ना किया कर हिचकी। देखे लग गए ना मैं क्या सी चुगली ना कर, क्या सी उतरे उतरे। ओए अच्छा निकल गई है, हिचकी निकाल, पुराने बदले ना काट। पता ही लग गया। चल फिर एक गिलास लस्सी का मुझे पिला दे। हां ले अपना, आप ले लिफाफा।
फ्राई 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 ठंडी है ना मिठी चल मेरी पीनी है। अच्छा यहाँ से बेडशीट कहाँ से मिलेगी? मुझे क्या पता कहाँ से मिलेगी, मैं तो पहले कभी नहीं आई ऐसे बाजार। थोड़ा सा ढूंढ लो शायद मिल ही जाए। नहीं नहीं मुझे पता है आगे ये लेफ्ट साइड पे है दुकानें। आओ। अच्छा सुनो फिर एक ऐसा करो ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान भी ढूंढ लो क्योंकि फिरोजा की ज्वेलरी ऐसे बाजार से ही मिलेगी ना। तुम ज्वेलर से तो नहीं बना रही हो ना इसीलिए ठीक है। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया है, खशर हो गया, स्किन का इतना गंद था वहां पे, इतनी मिट्टी, स्किन का बुरा हाल हो गया मेरी। दरअसल आदत नहीं है ना मुझे ऐसी जगहों पे जाने की। अच्छा ताईजान का घर भी तो ऐसी ही जगह पे है ना, वहां कैसे चली जाती हो तुम? अरे तो फैल के साथ तो मैं जहन्नुम में भी जाने के लिए तैयार हूँ। वो तो फिर मेरी खाला का घर है और वैसे भी तो फैल जैसा शोहर हर किसी की किस्मत में थोड़ी होता। हाँ और हर किसी को खरे और खोटे की पहचान भी तो नहीं होती ना। खरे और खोटे से याद आया कि तुमने ज्वेलरी क्यों नहीं खरीदी वहां से, इतनी सस्ती तो मिल रही थी, ले ली थी। मुझे नकली नगीने पसंद नहीं है। जेवर भले ही कीमती ना हो मगर उसमें जड़े मोती सच्चे होने चाहिए। वैसे सच्चे पत्थर हर किसी को रास नहीं है, जैसे सच्चा फेरोज़ा। सुना है बड़ा ही मायूस होता है अगर किसी को सूट ना करे तो ले डूबता। और जिसे रास आ जाए ना तो उसकी किस्मत बदल जाती है। तुमने कपड़े नहीं खरीदे? कपड़े मैं खुद डिजाइन करूंगी, मैं खुद कढ़ाई करूंगी। हाय हाय खुद क्यों करोगे, कपड़े डिजाइनर की होने चाहिए। कपड़ों के भी तमीज ना हो तो क्या फायदा। कपड़ा जैसा भी हो पहना हुआ सजना चाहिए, अब रंग रूप ही ना हो तो क्या फायदा। मेरा ख्याल है एक एक अनार का जूस ना हो जाए। सुना है अनार के जूस पीने से मुंह में बड़ी लादियां पकती हैं और दुल्हन की चेहरे की लालियां पख रही हो तो दुल्हन और ज्यादा खूबसूरत लगेगी, लेकिन आपको तो लोड़ी कोई नहीं।